ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट के अंदर मोलर्स हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, यही हमारे एनकरेज का काम करते हैं और इन्हीं की वजह से हम एंटीरियर टूथ को इंट्रूड कर सकते हैं, रिट्रैक्ट कर सकते हैं, कुछ मूवमेंट कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम मोलर को अच्छे से पकड़ के रखें अपनी वायर से। लेकिन ये काम होगा कैसे, उसके लिए हमें या तो मोलर बैंड लगाने पड़ेंगे या उनके लिए बकल ट्यूब्स लगानी पड़ेंगी। मैं पर्सनली बकल ट्यूब्स को ज़्यादा लाइक नहीं करता, वो इस कारण इसलिए है कई बार वो डीबॉन्ड हो जाती है रिट्रैक्शन की फेज पे और हमारा ट्रीटमेंट दोबारे से 2-3 महीने पीछे चला जाता है क्योंकि हमें दोबारे से उसको अलाइन करना पड़ेगा रिट्रैक्शन से पहले। तो मेरी पर्सनल चॉइस हमेशा बेंडिंग की होती है, लेकिन ये अपना अपना प्रेफरेंस है। कुछ लोग बॉन्डिंग से बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी लाते हैं, तो ये आप अकॉर्डिंगली डिसाइड कर सकते हैं कि आपने क्या करना है। हाय, मैं GDS डेंटल से डॉक्टर रोहित शर्मा और आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे मोलर बैंड की, कि मोलर बैंड आखिरकार हैं क्या, कैसे बने होते हैं, किन बातों का ध्यान रखना है और इनकी टेक्निक क्या है मुंह के अंदर प्लेस करने के लिए। लेकिन एक्चुअल वीडियो पे चलने से पहले मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप मुझको ये जरूर बताएं कमेंट बॉक्स के अंदर कि आपको ये वीडियोस कैसी लगती हैं, नेक्स्ट वीडियोस किन चीज पे देखना चाहेंगे और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूलना। पहले बात करते हैं सेपरेटर की। सेपरेटर का नाम ही सजेस्ट कर रहा है कि ये क्या करता है, ये दो दांत को सेपरेट करता है। हमारे पोस्टीरियर टीथ लोड बियरिंग टीथ है एंड पीडियल स्पेस 0.25 mm है और अगर हम 0.16 mm मोटा बैंड इसमें डाल देंगे तो एल्वियोलर बोन पर काफी प्रेशर पड़ेगा एंड हाइलेनाइजेशन एरिया बन जाएगा। सो हमारा सेपरेटर ऐसा होना चाहिए जिससे दांत सेपरेट भी हो जाए एंड पेशेंट कम्फर्टेबल भी रहे। हमारा सेपरेटर आसानी से टाइट कॉन्टेक्ट में भी चला जाए एंड खाना खाते वक्त टूटे भी नहीं। अब हमारे सेपरेटर दो तरीके के हो सकते हैं, जैसे पहला ब्रास वायर कैसलिंग सेपरेटर और दूसरा इलास्टोमेरिक सेपरेटर। हम इस वीडियो में इलास्टोमेरिक सेपरेटर की बात करेंगे क्योंकि ये इजीली अवेलेबल है। ये इलास्टिक रिंग सिंथेटिक पॉलीयुरेथेन पॉलिस्टर इलास्टोमेरिक मटेरियल से बनी है, आपको ज्यादातर ब्लू कलर में देखने को मिलेगी। इनका डायमीटर 0.18 इंच है। इन रिंग्स को रेडियो ओपेक भी बनाया जाता है क्योंकि ऐसा हो सकता है कि ये सेपरेटर सब जिंजैवली चले जाएं एंड हमें विजिबल ना हो। अब मैं आपको अपना एक्सपीरियंस भी बताता हूं। ये सेपरेटर काफी सारी कंपनियों के आते हैं तो मैंने अलग अलग कंपनी के खरीद लिए, बट इन सेपरेटर में क्वालिटी बहुत मैटर करती है। कुछ सेपरेटर प्लायर में डालते ही टूट जाते हैं, कुछ सेपरेटर इतने ढीले होते हैं कि कॉन्टेक्ट में जाते ही नहीं, कुछ सेपरेटर जब मैं कॉन्टेक्ट के नीचे डालने की कोशिश करता था तो टूट जाते थे एंड मेरा कॉन्फिडेंस खत्म होता जाता था। मुझे लगता था कि ये प्रोसेस भी बेकार है, बट जब मैंने लिबरल के सेपरेटर यूज करे देन आई रियलाइज्ड कि ये सेपरेटर की खराबी थी। अब सेपरेटर कैसे यूज करते हैं इसकी बात करते हैं। सेपरेटर को फर्स्ट ऑफ ऑल सेपरेटिंग प्लेसिंग प्लायर्स में डाला जाता है, फिर हम सेपरेटर को स्ट्रेच कर लेते हैं, फिर सेपरेटर को बक्कोलिंगुअल मूवमेंट देकर कॉन्टेक्ट के बिलो लेकर जाते हैं। याद रखना, हमें सिर्फ एक एंड को कॉन्टेक्ट के बिलो लेकर जाना है। अगर आप दोनों एंड्स को बिलो लेकर चले जाओगे तो सेपरेटर अपना वर्क ही नहीं करेगा। सेपरेटर की हाई स्ट्रेंथ एंड इलास्टिसिटी की मदद से सेपरेटर ओरिजिनल शेप में आ जाने की कोशिश करते हैं और स्मॉल कंटीन्यूअस फोर्स से 12 से 24 घंटे में 0.16 mm का स्पेस क्रिएट कर देते हैं। Now let's talk about molar bands. Molar bands with tube prefabricated आपको मार्केट में मिल जाएंगे, पर किसी पेशेंट के मोलर का साइज छोटा होगा और किसी का बड़ा, तो हम prefabricated को कैसे यूज कर सकते हैं एंड इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कंपनी अलग अलग साइजेस के मोलर बैंड्स बनाती है। मार्केट में आपको 28 से 44 साइज के मोलर बैंड्स मिलेंगे एंड साइजेस कुछ इस तरह से आते हैं 28, then 28 plus, then 29, then 29 plus. 28 प्लस हमारा 28 से लिटिल बिगर होगा। After size, let's talk about tube. Upper band आपको तीन तरीके के मिलेंगे। First है triple slot, second है double slot and third है single slot. Triple slot में आप extra oral appliances लगा सकते हैं, एक slot में utility arch भी दे सकते हैं and middle में जो सबसे छोटा slot हमारी arch wire के लिए होता है। Double slot में आप extra oral appliances attach कर सकते हैं and small slot के अंदर अपनी arch wire. एंड सिंगल स्लॉट है तो वो आर्च वायर के लिए ही है। सो आप अपने ट्रीटमेंट के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं कि आपने कितने स्लॉट वाला बैंड यूज करना है। अब लोअर मैंडिबुलर बैंड आपको डबल या सिंगल स्लॉट में मिलेंगे। डबल स्लॉट के अंदर
आप यूटिली आर्च को भी अटैच कर सकते हैं और छोटे स्लॉट के अंदर आर्च वायर को। एंड अगर आपके पास सिंगल स्लॉट बैंड है तो इसमें हम सिर्फ आर्च वायर ही इंसर्ट करते हैं। अब बात करते हैं ओक्लूजो जिंजाइवल डायमेंशन की। अलग अलग कंपनी अलग अलग डायमेंशन की बनाती है। आपको मेन बात ये ध्यान रखनी है कि बैंड पेरियोडोंटल प्रॉब्लम कॉज ना करें। अगर बैंड आपको बड़े या प्रॉपर कंटूर में नहीं लग रहे हैं तो आप इनको ट्रिम भी कर सकते हैं, पर ट्यूब्स को आपको ट्रिम नहीं करना। वो बैंड ज्यादा अच्छे होते हैं जो प्रॉक्सिमली कंट्रूड होते हैं। अब बात करते हैं बकल ट्यूब्स की। आप साइड से ये दोनों ट्यूब्स को देखो तो एक ट्यूब बेस से ज्यादा उठी हुई है और एक कम। इसका मतलब है ट्यूब में बकोलिंगुअल इंक्लिनेशन एडेड है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप कौन से ब्रैकेट प्रिस्क्रिप्शन यूज कर रहे हो, जैसे MBT, ग्रोथ, डायमंड्स, एंड उसी के हिसाब से आपने बैंड सिलेक्ट करने हैं। अगर आप ट्यूब को फ्रंट से देखते हैं तो आपको ट्यूब इंक्लिनेशन भी दिखेगा, एंड अगेन अपने ट्रीटमेंट के हिसाब से ही आपको चूज करना है। जो ये स्लॉट है इसका प्री डिटरमाइंड साइज भी है, एंड आपको ज्यादातर 0.018 एंड 0.022 साइज की ट्यूब्स मिलेंगी, एंड आपने ब्रैकेट्स जिस स्लॉट के चूज कर रहे हैं उसी साइज के ही बैंड आपने चूज करने हैं। अब क्योंकि हर बैंड में पार्टिकुलर टिप टॉर्क एंड इंक्लिनेशन है तो आप अपर का लोअर में और लोअर का अपर में नहीं यूज कर सकते, और हमारे बैंड पर ये हुक भी होता है जो डिस्टो जिंजाइवली होता है, एंड इसीलिए हर नंबर के बैंड के चार डिफरेंट बैंड्स होते हैं, अपर राइट, अपर लेफ्ट, लोअर राइट एंड लोअर लेफ्ट, एंड बैंड जिस क्वाड्रेंट का है उसी क्वाड्रेंट में यूज करना होता है। अगर मैं सेकंड मोलर भी बेंड करना चाहता हूं तो सेकंड मोलर की शेप अलग है, पोजीशन अलग है, एंड हमें टिप टॉर्क की वैल्यू भी अलग रखनी है। सो आपको फर्स्ट मोलर के बेंड सेकंड मोलर में यूज नहीं करने चाहिए। वी हैव टू बाय देम सेपरेट। जब काफी सारी थ्योरेटिकल बातें हो गई हैं, अब एक्चुअल टेक्निक भी देख लेते हैं। हमने एक दिन पहले पेशेंट को सेपरेटर डालकर भेज दिया था। ये सेपरेटर पेशेंट के लिए डिस्कम्फर्ट एंड पेन क्रिएट करते हैं, तो आप पेन किलर भी पेशेंट को एडवाइस कर सकते हो। नेक्स्ट डे हम अपने सेपरेटर प्रोब से निकाल लेते हैं, थ्री वे सिरिंज के प्रेशर से इंटरडेंटल एरिया को क्लीन कर लेते हैं ताकि कोई फूड पार्टिकल हम सब जिंजाइवली पुश ना कर दें। अब आपने अंदाजे से एक कोई भी नंबर का बैंड सिलेक्ट करना है एंड उसे लगाकर देखना है। अब हमारे पास तीन सिनेरियो हो सकते हैं। फर्स्ट है बैंड सही साइज का है, सेकंड बैंड छोटा है, एंड थर्ड बैंड बड़ा है। बैंड छोटा है तो हम बड़ा साइज ट्राई करेंगे, एंड बैंड बड़ा है तो छोटा साइज ट्राई करेंगे। सक्सेसफुल बैंडिंग की ट्रिक यही है कि आप राइट साइज का बैंड चूज करो। अगर साइज थोड़ा बड़ा होगा तो बैंड ड्यूरिंग ट्रीटमेंट बार बार निकलता रहेगा, एंड अगर साइज छोटा है तो बैंड डिस्टॉर्ट हो जाएगा एंड ऑक्लूजल सरफेस के पैरेलल नहीं रहेगा। आपका बैंड दोनों मार्जिनल रिज के लेवल पर होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक तरफ का बैंड ज्यादा अंदर है एंड दूसरी तरफ का कम। बकल ट्यूब आइडियली मीजियो बकल कप से स्टार्ट होनी चाहिए, ऑक्लूजल सरफेस के पैरेलल होनी चाहिए, अबाउट 3.5 mm ऑक्लूजल सरफेस से होनी चाहिए, एंड आपका बैंड स्लाइटली टाइट फिट होना चाहिए। अगर आपकी ये सारी बातें मीट कर रही हैं तो आप बैंड को फिक्स कर सकते हो। बैंड को सीट करते वक्त आप बैंड पुशर का भी यूज कर सकते। एक बार बैंड आपने सिलेक्ट कर लिया है तो आप GIC से ल्यूट करके उसको सेम पोजीशन में फिक्स कर दो। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप ये सब चीजें ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट अपनी प्रैक्टिस में इंक्लूड करना चाहते हैं तो आप GDS डेंटल एकेडमी को ज्वाइन कर सकते हैं। हम यहाँ पे आपको हाथ पकड़कर, आपको लेक्चर देकर, हैंड्स ऑन कराकर, आपको पेशेंट ट्रेनिंग करा के आपको एक कॉन्फिडेंस दिला देंगे कि आप अपने क्लिनिक के ऊपर एक ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट आसानी से कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल फॉर वॉचिंग अदर यूजफुल वीडियोज। थैंक यू।